वर्तमान समय में हमारे बीच ऐसे बहुत कम ही व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया को अपने जीवन से पूरी तरह से त्याग दिया है और अपने जीवन को सिर्फ समाज कल्याण और लोगों की भलाई में ही लगा दी है। इनके जीवन का एकाग्र लक्ष्य केवल यही होता है कि वह किस प्रकार से समाज और मानव सभ्यता का विकास कर सके। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही महान सन्यासी के बारे में जानेंगे जिन्होंने समाज सेवा, लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन के भोग विलास तथा सुख को त्याग दिया है और वर्तमान में पूरी तरह से मानव तथा समाज कल्याण का काम, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छी खासी करियर को छोड़ दिया और मानव जीवन की सच्चाई और मानवता को करीब से जानने के लिए एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौर गोपाल दास जी की, जो कि एक साधु सन्यासी, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफस्टाइल कोच हैं। गौरी गोपाल दास जी अपने पुस्तकों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को कृष्ण भक्ति, श्रीमद् भागवत गीता और जीवन के अद्भुत रहस्यों के बारे में जानकारी लोगों को प्रदान करते हैं। वह लोगों से मिलने में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब हाल के ही दिनों में ऋतिक रोशन और उनके परिवार ने गौर गोपाल दास से मुलाकात की और इनकी तस्वीरें को भी सोशल मीडिया पर साझा की है। राकेश रोशन ने इनके साथ साझा की और फुटेज में ऋतिक रोशन, राकेश रोशन और उनकी पत्नी पिंकी रोशन नजर आ रही हैं। और राकेश ने इंस्टाग्राम पर गौर गोपाल दास के साथ परिवार की एक तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि यह बहुत प्यारे सम्मान की बात है कि आप हमारे घर आए और हमें अपनी उपस्थिति और कृतज्ञता से भरे शब्दों से आशीर्वाद दिया। पिंकी ने भी बातचीत की और एक तस्वीर साझा की जिसमें लिखा कि एक विनम्र दिन के बीच हमारे घर पर सुनने और साझा करने का अविस्मरणीय अनुभव को एक बार फिर अभिभूत करने के लिए धन्यवाद। वही ऋतिक रोशन की बात करें तो एक बार इंटरव्यू के दौरान वह कह चुके हैं कि धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह काम और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाना पसंद करते हैं। ऋतिक रोशन की वर्क फ्रंट की बात करें तो दोस्तों, अभिनेता को आखिरी बार सैफ अली खान अभिनीत एक्शन फिल्म विक्रम वेदा में देखा गया था। अब वह अगली बार सिद्धार्थ आनंद के फाइटर में जल्द नजर आएंगे। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी और कैसी लगी गौर गोपाल दास की यह बातें, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यही तक थी और अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक ले बने रहे हमारे चैनल के साथ और इसी तरह की खबरें लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे और अब दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।